स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी जंक्शन लाइव में। हम बिना वक्त जाए कि आपको सीधे एनालिसिस में चलते हैं। जो आज पेपर हुआ है उसका, यूपी पुलिस का एग्जाम जो हुआ है री एग्जाम, उसका एनालिसिस हम देखते हैं ताकि कल दिन का एग्जाम उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हम पूरी एनालिसिस देंगे कि किस प्रकार से पेपर आया था और कैसे आया था। तो शुरू करते हैं, रीजनिंग और हिंदी और मैथ और जीएस चारों सेक्शंस को हम कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आया है। मैथ का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि एक क्वेश्चन आपको मिला था कि 400 450 का 78% क्या होता है। आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं 450 का 78% कितना होता है। अब बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ऑप्शन भी दिया था, आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हम केवल आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन दिया था, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी 12 से विभाज्य संख्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य संख्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, 14744 ए ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 28856 और तीसरा ऑप्शन है 43976 और चौथा ऑप्शन है 57228। ये ऑप्शन है कि 12 से विभाज्य संख्या आपको पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैथ का, और अगला क्वेश्चन क्या आया है। यूपी पुलिस का भी पेपर आसान आया था, सभी बच्चे जिनका एग्जाम कल है वो निष्फिक्र होके जाइए, पेपर बहुत अच्छा आया था, आप कर जाएंगे। क्वेश्चन है कि यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को, 154 मीटर लंबी रस्सी है उसको 9.95 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है। आपको एक 154 मीटर लंबी रस्सी दिया है और उसको 9.5 के अनुपात में विभाजित करना है, तो आपको बताना है कि छोटे रस्सी की लंबाई कितनी होगी, यानी इसका मान निकालना है। आप सीधे निकाल सकते हैं इसका मान, इसको हम बहुत आसान से बता देते हैं। 9.5 है, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 9 5 14 हो जाता है। 14 का मान दिया है 154, तो आपसे 5 का मान पूछ रहा है। आप 14 से भाग देंगे तो ये 11 बार में जाएगा, 14 × 140 और 14 जोड़ देंगे 11 बार में, तो बस आप इसमें 11 से गुणा कर देंगे यानी 55, यानी छोटे जो रस्सी है टुकड़े की लंबाई 55 मीटर हो जाएगी। काफी आसान क्वेश्चन थे, कोई भी कर ले जाएगा। आप आसान से कल अच्छे मूड बना कर जाइए क्योंकि पेपर काफी आसान आ रहा है। एक पूछा है, सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने में 12% की हानि होती है, ठीक है। 198 रुपये में कोई एक सुविक है, वो अपनी वस्तु बेचते हैं तो उनको 12% की हानि हो रही है, तो पूछा है कि 8% का प्रॉफिट कमाने के लिए उनको क्या करना होगा। ये भी क्वेश्चन आसान है, आप डायरेक्ट इसको 88 का वैल्यू 198 से तुलना करके 108 का वैल्यू आप निकाल देंगे। काफी आसान क्वेश्चन आए थे, आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक खिलौने के रियायती मूल्य 1470 रुपये है, यानी एक जो खिलौना है, एक खिलौने का डिस्काउंट प्राइस दिया है, एक खिलौने का डिस्काउंट प्राइस आपको दिया है 1470। आपको पूछ क्या रहा है कि यदि छूट 16% है, अगर डिस्काउंट 16% दिया है तो खिलौने का अंकित मूल्य निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। ये भी क्वेश्चन काफी आसान है, आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम है पूरे क्वेश्चन को आपको दिखाना है किस तरह क्वेश्चन मिला था। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। फिर अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था उसको भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन था 48 प्लस इन ब्रैकेट 25 माइनस ब्रैकेट में 20 माइनस 11 माइनस 60 डिविजिबल बाई 2 × 4 का मान आपको निकालना था। काफी आसान क्वेश्चन थे, आप आसानी से कर ले जाएंगे, बस आपको बस हल्के से मेहनत जो किया है वो आराम से इस बार यूपी पुलिस क्वालिफाई करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, 256 प्लस 25.6 प्लस 2.56 प्लस 0.256 प्लस 0.0256, इसको ऐड करना है। ये नर्सरी का लड़का कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो तो यूपी गवर्नमेंट आपको कॉन्स्टेबल बना रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन कोई लंबे प्रोसेस के नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दी गई भिन्न में से कौन सी भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है, यानी नीचे चार ऑप्शन दिया गया है, 39/57, दूसरा ऑप्शन है 91/133, तीसरा ऑप्शन है 195/247 और चौथा ऑप्शन है 208
अपॉन 304। इसे पूछ रहा है कौन ऐसा जो भिन्न है वो 13/19 के बराबर नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको भी कर ले जाएंगे। यानी जो लोग यूपी पुलिस का पेपर देने का मूड नहीं बना रहे वो जल्द से अपना मूड बना रहे, क्योंकि पेपर बहुत आसान आ रहा है। आप आसानी से इस बार यूपी पुलिस क्वालिफाई करने वाले हैं। और अब आपको बता देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर SSC GD और RPF क्रैश कोर्स भी डिजाइन की गई है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन। मैथ में तो कुछ था ही नहीं, कोई दम नहीं था मैथ में। क्वेश्चन पूछा है 141 और 188 का आपको LCM निकालना है। आपको आसान से निकाल सकते हैं, कितना आसान आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। अभय और श्रेया अकेले किसी काम को 42 मिनट और 70 मिनट में कर सकते हैं। यानी अभय किसी काम को 42 मिनट में कर सकते हैं और श्रेया किसी काम को 70 मिनट में कर सकते हैं। अभय ने शुरू करके कार्य पूरा होने तक बारी बारी एक एक मिनट कार्य किया, केवल अंत में काम करने के लिए एक मिनट भी कम समय तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा। यानी आप टाइम एंड वर्क पढ़ के जाइएगा। अगर आप टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े हैं तो टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिएगा, कि टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से और एक स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन है। और एक देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। आपसे पूछा है X=4 ∝ Y=5। तो X=Y का मान निकालना है, आप निकाल सकते हैं काफी आसानी से, काफी अच्छे तरीके से। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी कर ले जाए। तो मैथ क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहे हैं, आगे देखते हैं, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। बस आप एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही हम एनालिसिस आपको दे रहे हैं और हमेशा आपको देते रहें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6,600 रुपया है, यानी 600 रुपया है और रेट दिया है 10%, रेट दिया 10% और 2 वर्षों के अर्जित ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज ज्ञात करना है यानी आपको CI ज्ञात करना है 2 ईयर का। तो काफी आसान होता है, बस यहाँ 600 लिख दीजिए, 10% निकालना है। 10% का मान 1/10 होता है, तो यहाँ से 60 हो जाएगा। 2 साल के निकालना है तो फिर से 1/10 करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। ये 2 से डिविजुअल, ये 1 से डिविजुअल, ये 120 हो जाएगा प्लस ये 6 हो जाएगा, इसका आंसर 126 होगा। बिना फॉर्मूले के हम अपने क्लास को देते हैं, पूरी ट्रिकी क्लास हम देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ क्लासेस चल रही है। फिलहाल टाइम एंड वर्क SSC GD के लिए चल रहा है और पूरे क्रैश कोर्स RPF के लिए चल रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे। CI का क्वेश्चन कितना लेवल, लो लेवल कहेंगे वो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान पेपर आया था इस बार का। आप पिछले बार से भी कुछ आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े लंबे भी हैं। और रीजनिंग की तरफ देखते हैं, रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए दिया गया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, दिया गया EFG को लिखा है 567, EFG को 567 लिखा गया है। तो आपसे पूछा है OPQ कितना आसान है। E 5 होता है, F 6 होता है और G 7 होता है। उसी तरह आपको OPQ का मान निकालना है। तो OPQ का मान निकालने के लिए आप जानते हैं O का मान होता है 15 और P का मान होता है 16 और Q का मान 17 होता है। बस आपको वैसे ही वैल्यू पुट कर देना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का काफी आसान था। क्वेश्चन था EV=MN/JQ=, क्या ये सब क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल पे पढ़ा दिया गया है, ठीक है। आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो इस सब की वीडियो करना है, आपको करना नहीं होता है कुछ, बस इसका नंबरिंग करेंगे वैसे ही आपको आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये करेंगे और आप देखेंगे कि ये ऐड करेंगे तो 27 आ रहा है, ये भी ऐड करेंगे 27, ये भी ऐड करेंगे 27, यानी अगला जो भी आएगा वो 27 ही आएगा। ऑप्शन दिया है DF तो ये होगा नहीं, अगला दिया है GH ये भी नहीं होगा, अगला दिया है KM ये भी नहीं होगा और अगला दिया है IR ये हो जाएगा 18 और 9 27, यानी इसका आंसर IR हो जाएगा। काफी आसान, रीजनिंग कुछ होता नहीं है, रीजनिंग एक गेम है। बस हमारे चैनल को देखते रहिए और इस बटन सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए जल्द से जल्द, ताकि और भी एनालिसिस आपको दे पाए। क्वेश्चन की काफी आसान आए थे, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन थे, आप भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। जो भी पेपर देने का मूड नहीं बना रहे हैं वो तुरंत अभी तैयार हो जाए और पेपर देने जाए। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है।
दिया है बी सी ई का रेशियो दिया है 2-3-5, आपसे पूछा है के एम क्यू का रेशियो क्या होगा, तो आप जानते हैं बी दूसरे पौधा, सी तीसरे पौधा, ई पांचवें पौधा, तो आपको पूछा है के एम क्यू, के का मान होता है 11, एम का मान होता है 13 और क्यू का मान होता है 17, तो ये हो जाएगा 11, 13, 17, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। काफी आसान क्वेश्चन है, कोई भी कर दे, बस आपको घर बैठ सीरीज हमने पढ़ा दिया है, हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, ये सारी चीज हमने याद करने की टेक्निक बता दें कैसे हम अल्फाबेटिकल सीरीज को तैयार करेंगे। अगला दिया गया है दिए गए विकल्प में उस पद का चयन कीजिए तो तीसरे विकल्प उसी प्रकार संबंधित है जिसे दूसरा पद पहले पद से, आपसे पूछा है दिया है शिक्षक, दिया है शिक्षक, शिक्षक का रेशियो दिया है स्कूल से, तो आपसे पूछ रहा है अंपायर का क्या होगा, शिक्षक का स्कूल से दिया है तो अंपायर जो होगा वो किससे संबंधित होगा, ऑप्शन दिया है पिच, बैडमिंटन, मैदान और थर्ड एम्पायर, आप कुछ निकाल सकते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है बीई, डी जी और एफ आई और एच के अगला रेशियो, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल में पढ़ाए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं, बस करना कुछ नहीं होता, ये 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 11, आप देखेंगे 3-3 का गैप आ रहा है, 3-3 का गैप, ये पहले में ये 2 का गैप, यानी जो आएगा यहाँ पे 10 आएगा, 10 का मान जी होता है 5, 2, 7, 9, 2, 11, 13 का मान आएगा वो यम होता है, जी यम होगा, जो डी ऑप्शन सही है। ये सारे चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए हैं, जो हमने पढ़ाया था वही आया है हूबहू, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और जो क्लासेस चल रही है ट्रिकी क्लासेस आप वहां से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, क्वेश्चन पूछा ए ई आई ओ, अगला पूछा आप क्या भरेंगे, तो सभी जानते हैं कि ये वोवेल होता है ए ई आई यू, तो यहाँ पे यू होगा, ये सब क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन लेटर सी से एक और क्वेश्चन दिया है सी एफ आई, एफ आई एल, आई एल ओ, और इसको भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, काफी आसान होता है, बस नंबर जैसे आप फिलअप करेंगे 3, 6, 9, ये 6, 9 और ये 12, ये होता है 9 और ये होगा 12 और ये 15, आप देखेंगे एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है 3, 6, 9, 6, 9, 12, 9, 12, 15, तो ये 12, 15, 18 होगा इसका आंसर, यानी यल ओ और यल ओ और आर होगा, काफी आसान, कुछ है ही नहीं रीजनिंग में, एक गेम की तरह है और खेल की तरह है, काफी आसान से हर एक लड़का करके आएगा, क्योंकि रीजनिंग काफी आसान है, हमने जैसे पढ़ा रखा है वैसे पूरे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आए हैं लगभग 4 क्वेश्चन आए, उसको भी हम दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन है 11, 12, 23, 35 और 58, आपको आगे फिलअप करना है। अगला क्वेश्चन है 15, 6, 18, 9, 21, 3, 24, आगे आपको फिलअप करना है 225, 289, 361 स्क्वायर पर रिलेटेड है, इसको भी आप कर सकते हैं, ये देखिए 15, 17, 22, 29, 40, ये भी आप कर सकते हैं, कितना आसान आसान क्वेश्चन है, 2, 5, 7, 11 ऐसे करके सेट है, आप 4 क्वेश्चन इतने आसान आसान आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस माइनस के पीछे मत भागेगा, जितने क्वेश्चन आए उतने कीजिएगा, मैथ रीजनिंग में कुछ है नहीं, आप मैथ रीजनिंग को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो इस तरह सभी दिशाएं बदल जाती है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये डायरेक्शन हमने पढ़ा दिया है, आप डायरेक्शन जाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से एक और क्वेश्चन है आपके पास, उसको भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दूरी तक चलता है, फिर दाई ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाई ओर मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। देखिए डायरेक्शन का वीडियो हमने डाल दिया, लेकिन क्वेश्चन देखिए, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है, अतुल है उत्तर चलता है, हमने बता दिया था कि ऊपर उत्तर होता है, तो यानी अतुल जो है 5 किलोमीटर की दूरी उत्तर चला, फिर बोल रहा है उसके बाद दाई ओर मुड़ा, दाई यानी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, दाई ओर मुड़ गया और उसके बाद 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चल गया, फिर बोल रहा है चलने के बाद मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाई ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, यानी 5 किलोमीटर फिर से चल गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है वो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, आरंभिक स्थान ये है और इसकी दिशा इस समय यहाँ है, यानी इधर का जो दिशा होता है वो पूर्व होता है, इसका आंसर पूर्व यानी ए ऑप्शन सही होगा। काफी आसान, कुछ करना ही नहीं है, जो हल्का फुल्का पढ़ा होगा हमारे चैनल पे वो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करके आएगा, जितना भी यूपी पुलिस का पेपर है।
दो क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से भी आए हैं बड़े बड़े, ठीक है। और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। फिगर के क्वेश्चन आए हैं, फिगर के क्वेश्चन चूंकि हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं डिस्कस कर पाएंगे उसके लिए सॉरी, बाकी जो क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्द से समान ना हो, चार ऑप्शन दिया है, चमेली, आम, कमल और गुलाब, ये सब मतलब डिफरेंस चुनना है आपको, विषम चुनना है, इस प्रकार के सेंटेंस भी दिए गए थे, ठीक है। और डाटा इंटरप्रिटेशन में से भी आप जिनको नहीं पढ़ा, दो क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से, एक क्वेश्चन दिख रहा है 105 नंबर जो सेट हमको मिला है, चूंकि काफी गर्मी है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, काफी मेहनत से आप लोग ये वीडियो तैयार किया जा रहा है ताकि आप तक पहुंच जाए। वेन आरेख से जो क्वेश्चन बनते हैं इस डाटाबेस के, वो भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें डाटा भरा गया है, आपसे पूछ दिया गया है कि लोगों की संख्या का अनुपात, जो काफी आसान है, दो तीन क्वेश्चन आपसे डाटा से पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए पूछा है कि उसके बाद ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, उसको भी देख लेते हैं। बस रैना की माँ मोहिनी का पिता का एकला पुत्री है, मोहिनी के पिता रैना से किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रिलेशन हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, तब तक दो चैप्टर दो क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। और इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया है, माली का संबंध खुरपी से है, माली का संबंध खुरपी से है, तो पूछा गया है कि सर्जन का संबंध किससे है, तो आप समझ सकते हैं सर्जन का संबंध किससे है, सर्जन जो होता है वो एस्केपल, तलवार, पिन या छेनी, इसमें से आपको टिक करना है। फिर आए क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग में, इन सबको भी देख लेते हैं, यानी बहुत ही कुल मिला जुला एकदम इजी पेपर था, हलवा पेपर था, आपसे पूछा गया है आर ओ टी ए टी ई, रोटेट का कोड दिया गया है, रोटेट का जो कोड दिया गया है यू आर डब्ल्यू डी डब्ल्यू एच, ये रोटेट का कोड दिया गया है, आपसे पूछा गया है काउंटिंग का कोड सी ओ यू एन टी आई एन जी, हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, उसमें बताया था कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए बस क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, ये 18 पे है तो ये देखेंगे एस टी यू 21 पे आता है, यह 15 पे है तो ये 18 पे आता है, यानी देखेंगे तीन तीन के गैप के बाद, तो उसी तरह इसमें तीन तीन के गैप कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन काफी आसान है, करते जाइएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है सी एच ओ आर यू एस, सी एच ओ आर यू को दिया है पी आई डी टी डब्ल्यू वी एस, और आपसे पूछा है एस आई एन जी ई आर, आपको पढ़ना कुछ नहीं है, जैसे ही आप नंबर करेंगे, जैसे ही आप नंबरिंग करेंगे, वैसे ही आपका आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, जैसे ही आप नंबर करेंगे आपका सेट बैठ जाएगा कि कैसे किस प्रकार सेट किया गया है। कोडिंग डिकोडिंग से एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से क्या क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से एक और क्वेश्चन है दिया है वी ई जी ई टी ए बी एल ई, वेजिटेबल को दिया है, वेजिटेबल को दिया गया है एफ M C B U F H F W, आपसे पूछा है A R S E N A L, A R S E N A L का कोड पूछा है, आप जैसे ही नंबरिंग करेंगे इस कोड को भी आप कर देंगे, कुल मिला जो काफी अच्छा क्वेश्चन आया था और काफी आसान लेवल के भी क्वेश्चन आए थे, कोई भी अगर हल्का फुल्का तैयारी किया यूपी पुलिस का तो हम अभी लिख के दे रहे हैं, तो उनकी वर्दी अब दूर नहीं है। देखिए और अगला क्वेश्चन आपसे रैंकिंग का भी पूछा है कि 50 छात्रों की कक्षा में दीपक का रैंक शीर्ष से 20वां है, यानी दीपक का जो रैंक है वो शीर्ष से 20वां दिया गया है, शीर्ष से 20वां दिया गया है, तो पूछा गया है अंत से रैंक कितनी होगी, तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे गिनते रह जाएंगे, गिन गिन कर सुबह से शाम हो जाएंगे, पेपर के टाइम निकल जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कहते हैं पोजिशन फ्रॉम फर्स्ट इन और प्लस पोजीशन फ्रॉम लास्ट इन माइनस वन करके और बराबर टोटल करके निकाल लेंगे, टोटल 50 है, एक अंक की पोजीशन दिया है, शीर्ष से पोजीशन दिया है 20वां, तो अंत से आपको निकालना है x मान लीजिए, माइनस वन कर दीजिए, बराबर 50 है, इसको उधर भेज दिए 51 हो जाएगा, 20 प्लस x बराबर 51, x बराबर हो जाएगा 31, माइनस वन यानी 30 हो जाएगा, कुल मिला जाके 31 हो जाएगा, सॉरी 31 हो जाएगा इसका रैंक, तो इसे भी आप निकाल सकते हैं। फिर एक और रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया, एक कक्षा में रोजा शीर्ष से चौथे स्थान पे है और अंत से
रोजा शीर्ष से चौथे स्थान पे और नीचे से 26वें स्थान पे, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो ये सब क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, इस एक ही फॉर्मूला होता है, पोजीशन फ्रॉम राइट इन प्लस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन माइनस वन करेंगे और बराबर टोटल लिखेंगे, यानी पोजीशन फ्रॉम राइट इन दिया है इनका चौथा और लेफ्ट इन दिया है 26वां, माइनस वन करेंगे बराबर टोटल हो जाएगा 30 माइनस वन करेंगे यानी टोटल यानी 29। बिना आप ऐसे गिनते रहेंगे कि प्रोसेस एक दो तीन चार पांच लाइन करते रहेंगे सुबह से शाम हो जाएगा। यहाँ इस YouTube चैनल के माध्यम से केवल ट्रिक बताया जाता है आपको कि ट्रिक से कितना जल्दी क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो ये सब क्वेश्चन जो काफी आसान पूछे गए थे, इन सब क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। एक आपसे दो पासे की स्थिति भी दी गई है, हमने एक वीडियो में पासा का क्वेश्चन भी आपसे पूछा था जिसमें से कुछ लड़कों ने कमेंट करके आंसर भी बताया था। पासा चूंकि हम अगले चैप्टर पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पासा का यही क्वेश्चन दिया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको जो पेपर में आया है। क्वेश्चन डाटा दिया है एक दो तीन और दिया है एक छह पांच। आपसे पूछा गया है कि शीर्ष पर एक होने के नीचे की संख्या पहचान कीजिए, यानी एक होने के नीचे की संख्या पहचान कीजिए, इसे क्वेश्चन हमने बता दिया है। और अगला फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, मिरर से भी एक आध क्वेश्चन है। तो ये रहे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। अब आपको हिंदी के लिए, जो स्टूडेंट हिंदी के लिए है उनके लिए हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन जल्द से जल्द हम डिस्कस करते हैं हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए थे। आइए देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में पूछा है किसी कार्य को करने या बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ये हिंदी का पहला क्वेश्चन है। दूसरा पूछा है निम्न से क्या काल कहलाता है, काल क्या कहलाता है, व्हाट इज टेंस, टेंस के बारे में पूछा था कि टेंस व्हाट इज टेंस क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए थे क्या। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में हिंदी के बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द चुनना था, ग्राम, अश्रु, सूर्य और माथा में। समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और सामान्य शब्द। तो आप सभी जानते हैं पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। अग्रज का विलोम क्या होता है, तो सभी जानते हैं अनुज होता है। धन का मतलब क्या होता है, अंत, अर्थ, स्वार्थ और कोष। काफी आसान क्वेश्चन है, हम आपको सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा को क्या कहते हैं, रेखाचित्र, संस्मरण और आत्मगिलानी और आत्मकथा। काफी आसान आसान क्वेश्चन है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग चुनना था, तो आप निर्गुण। खिलौने शब्द का मूल शब्द क्या है, स्वर संधि में किसका मेल होता है। काफी आसान आसान क्वेश्चन थे। कार्यवाचक में प्रधान क्या होता है, तो इस प्रकार के हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति की कौन सी अलंकार होती है। यह सब क्वेश्चन काफी आसान आसान हिंदी में पूछे गए थे। चूंकि ये वीडियो फैन ऑफ करके बताया जा रहा है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो इस वीडियो में। उस बाद गद्यांश में क्वेश्चन भी दिए गए थे, चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन गद्यांश भी दिए गए थे। ये रहे थे हिंदी के क्वेश्चन। अब कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो काफी बड़े बड़े हैं, तो एक क्वेश्चन दिखा, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप में 24 घंटे में एक से कितने बार मूत्र विसर्जन करता है, कितने लीटर तक, ये क्वेश्चन है। फिर आपसे संविधान से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीएस का क्वेश्चन काफी अच्छा रहता है। लेकिन आपको करना क्या है, उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश के महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो 1847 में प्रकाशित की गई थी, किस श्रेय किस संपादक को दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इयाद खान उत्तर किस प्रदेश से संबंधित थे। तीसरा, बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश का निम्न से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था जो काफी आसान है जो पढ़ा होगा। उसके बाद फिर संविधान के में किस भाग में नागरिकता से संबंधित है। फिर से पूछा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने के नियुक्ति नहीं दिया थी, ये 14 है, ये आप जानते ही हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ये शायद 51 होता है, कन्फर्म नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन हार्ड नहीं आए थे, सीरिया की राजधानी पूछा गया था, म्यांमार की मुद्रा पूछा गया था, भारत के संविधान अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। अगला पूछा है, भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे। निम्न से कौन नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, इनमें से चार को आपको ऑप्शन चुनना था।
और यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था? 2018 में किस साल में नवाड़ में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया था? तो कुल मिलाकर यही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके यूपी पुलिस एग्जाम में, जो काफी इजी और मॉडरेट लेवल में तो बहुत कम थे। आप मैथ इंग्लिश बहुत आसानी मैथ रीजनिंग कर लेंगे और हिंदी भी काफी आसान तरीके से थे। बाकी जो क्वेश्चन बचे आपको करना क्या है, कल आपको जैसे पूरे आपको क्वेश्चन आ रहे हैं 150 क्वेश्चन, आपको टारगेट बनाना है कि हमको 100 क्वेश्चन करना है, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं करेंगे। जैसे ही आप मैथ और रीजनिंग में 75 क्वेश्चन है, इसमें आप आसानी से 70 कवर कर लेंगे, और जो हिंदी है जो 37-38 क्वेश्चन है उसमें आप 25 कर लेंगे, कुल मिलाकर 95 होगा। अगर जीएस में आप 5 से 7 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 100+ यानी आप 200+ नंबर ला देंगे और आसान से आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम एनालिसिस लेकर आएंगे लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।